कि हमारे पिछले 351 करोड़ रुपया है, 315 करोड़ रुपया है उनके कुछ पिछले साल के, उसको आप तुरंत प्रभाव से हमें रिलीज कर दीजिए ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। ये आपदा फंड का है सर, ये जो 315 करोड़ है ये पिछले साल का है, ये हर बार जो 15th फाइनेंस कमीशन आपदा का सामना पड़ेगा। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करता हर स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, उसमें जो हमारे को शेयर मिलता है उसमें आता है, हर साल आता है, ये हिमाचल को ही नहीं आता, ये पूरे हिंदुस्तान की जितने भी राज्य है उनको आता है। हम अब चाह रहे हैं कि जो आपदा हम पर आई है, जिसने 50 साल में ऐसा कहर डाया है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, रोड, सड़क, पीने के पानी, सिंचाई की योजनाओं को ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि वो वक्त के साथ ठीक होगी, जो हमें वक्त के अंदर करने की चीज़ें थी वो हमने समय के अनुसार कर दी, उसमें हमने सरकार से मदद मांगी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सोमवार को माननीय गृह मंत्री जी के वहाँ से जो केंद्रीय टीम आ रही है इस आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा करने के लिए, मैं इसके लिए भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मैं इस आपदा के समय हम सभी हिमाचल वासियों से, हमारे सभी प्यारे हिमाचलवासी है, किसान है, महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, युवा वर्ग है, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूं। और हम इस मामले में एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं और मैं ये अपील हिमाचल वासियों से करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है, इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HP कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक में खाते खोले हैं। ये आपदा राहत 2023 का खाता है। इस राहत कोष के लिए आप अपनी सहयोग राशि नगद, चेक या ड्राफ्ट, गूगल पे, RTGS, NEFT, फोन पे अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से सीधा छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में खाता संख्या 4061010731, मैं खाता संख्या द्वारा बोलना चाहूँगा 4061010731, IFC कोड HPSC 000406 अथवा HDFC बैंक के खाता संख्या HDFC बैंक का खाता संख्या 9999001504198
आईएफसी कोड HTFC 000416। मैं HDFC बैंक खाता द्वारा बोलना चाहूँगा 9999001504198, IFC कोड HDFC 000416 में जमा करवा सकते हैं आप, या धनराशि हमारी वेबसाइट cmhimachal.nic.in पर ई बैंकिंग द्वारा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भेज सकते हैं। इस आपदा के लिए दी गई धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 80-G के अंतर्गत 100% आयकर से मुक्त है। मैं इस आपदा की घड़ी में इस प्रदेश की ऐसी पहली त्रासदी के मौके पर जिन हमारे साथी हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी देने का निश्चय किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके नाम भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हिमाचल कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी हम बात करेंगे कि वो एक महीने की सैलरी इस आपदा कोष में दे, लेकिन हमने फैसला किया है एक महीने की सैलरी। लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक दल के नेताओं ने ये फैसला किया है, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया है कि हम अपनी एक महीने की सैलरी इस आपदा कोष में अब देंगे। इसके अलावा IAS ऑफिसर एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी एक दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की घोषणा की है। इसके अलावा HAS ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी एक दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की बात की है। इसके